हाँ, मेरा एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, नींव करोली महाराज की बायोग्राफी बनने वाली है। आप गूगल पे सर्च करेंगे और काफ़ी सारे लोग उनके भक्त हैं। उत्तराखंड में कैंची धाम करके एक जगह है, वहाँ पर महाराज की समाधि है और उनकी बायोग्राफी बनने वाली है। उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और उनकी प्रोजेक्ट करने का मुझे मतलब मौका मिल रहा है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रही हूँ। क्या है बायोग्राफी में आपका किरदार, क्योंकि वो महाराज हैं और आप महारानी बनेंगी क्या उनकी? अरे नहीं, महाराज यानी स्वामी जी हैं और महारानी नहीं। कैरेक्टर अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ आपको। डायरेक्टर शरद ठाकुर जी हैं, उन्होंने कहा कि अभी जब आएगा तो ये वो प्रोजेक्ट रिलीज होने के बाद अपने आप सबको पता चलेगा। तो ये शूट कहाँ होगा, उत्तराखंड में होगा कि बॉम्बे में होगा? नहीं, ये उस यूपी में रहेगा। अच्छा, उत्तराखंड आप कभी गई हैं? हाँ, भोपाल में उनकी फैमिली है तो एमपी में रहेगा और बाकी यूपी में रहेगा। तो उत्तराखंड आप कभी गई नहीं, हैं? मैं कभी भी नहीं गई। मैं जाना चाहती हूँ, मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ, उनका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। और उनका प्रोजेक्ट मैं अगर कर रही हूँ, उनके लाइफ की जो स्टोरी है उसकी उसकी उसका हिस्सा बनने वाली हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत बहुत लकी मान रही हूँ। उत्तराखंड में एक जगह है हरिद्वार, नाम सुना है? हाँ तो वहाँ भी नहीं गई हैं आप? नहीं, हरिद्वार गई हूँ मैं। ओके, तो कैसा लगा आपको हरिद्वार? बहुत बहुत अच्छा वहाँ पर पूरा मतलब धाम है। वहाँ पर जाके भगवान से भगवान में लीन होना किसको अच्छा नहीं लगेगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा वहाँ तो ये जाके। जो महाराज की आप बायोग्राफी करने वाली हैं, तो इसमें आपको फिर दोबारा से हरिद्वार जाने का मौका मिल सकता है, क्योंकि वो भी उत्तराखंड में। तो महाराज जी के जो वहाँ पे आप जाने वाली हैं, या नहीं जाएंगी, बाहर से बाहर ही शूट करके आ जाएंगी? नहीं, मैं तो सोच रही कि शूट के पहले ही मैं जाके दर्शन करके आऊँ, उसके बाद हमारा शूट स्टार्ट हो। तो आपको कितना तपस्या करना अच्छा लगता है, या क्या बोलते हैं, पूजा पाठ में मैं आप पूजा, कितना बिलीव हाँ मैं करती बहुत हैं? ज़्यादा बिलीव करती हूँ भगवान में और मैं एवरी डे पूजा करती हूँ। मैं कहूँगी कि मैं 1 घंटा 24 आवर्स में से पूरा 1 आवर मैं भगवान के लिए निकालती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ, आराधना करती हूँ। और मेरी ये सोच है, जो लोग धाम करने जाते हैं या तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, वो सोचते हैं कि हम एज हो जाएं, सब काम से फ्री हो जाएं, उसके बाद हम भगवान के पास जाएंगे या उनके दर्शन करेंगे, उनकी यात्रा के लिए जाएंगे। पर मेरी ये सोच है कि जब आप बिज़ी हों और उसमें से अपना टाइम निकाल के भगवान को दें, क्योंकि जो हमारा जीवन है उन्हीं का दिया हुआ है। अगर 24 घंटे में से हम 1 घंटा भी उन्हें नहीं दे सकते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है, ऐसा मैं सोचती हूँ। ये मेरी सोच है, हाँ मैं किसी के ऊपर थोप नहीं रही हूँ कि वो भी ऐसा करे।